अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 53 और टॉपिक है हमारा न्यूरॉन्स। तो क्लास सबसे पहले हम न्यूरॉन को 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर। आज हम 17 चैप्टर यानी सेकेंड ईयर का 17 चैप्टर वैसे थर्ड चैप्टर हमारा चल रहा है, तो इसके अंदर भी हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने लगे आज और इसकी डिफरेंट टाइप्स। और आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नर्वस सिस्टम की बेस है हमारा न्यूरॉन। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो क्लास आपके लिए बहुत फायदा होगा। तो क्लास, व्हाट आर द न्यूरॉन्स? तो न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो न्यूरॉन है। न्यूरॉन में मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम बना रहे हैं, क्लियर है? और एक जो न्यूरॉन होता है उसका मेजर पार्ट होता है सेल बॉडी, और उसके बाद फिर उसमें से डिफरेंट प्रोसेसेस निकलते हैं, डेंड्राइट्स हो सकते हैं, डेंड्राइट या डेंड्रॉन हो सकते हैं, एक्सॉन हो सकता है, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है, व्हाट आर द न्यूरॉन्स, द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन। उसके बाद हमारे पास है न्यूरोग्लिया, ये आपने पहले पढ़े होंगे न्यूरोग्लिया क्या होते हैं। यहां पर आप डेफिनेशन में प्रॉपर बता देता हूं आपको, न्यूरोग्लिया ऐसे स्पेशलाइज सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, न्यूट्रिशनल सेल्स हैं जो हमारे न्यूरॉन्स को फूड प्रोवाइड करते हैं और दूसरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन्स को। कैसे जी? बाय गिविंग देम अ माइलिनेटेड लेयर, इन लिपिड वैक्सी लिपिड लेयर दे देते हैं जिससे वो प्रोटेक्टेड हो जाता है। और हमारी नर्वस सिस्टम का हाफ जो है वो न्यूरोग्लिया होते हैं, स्पोर्टिंग सेल्स होते हैं, न्यूट्रिशनल सेल्स होते हैं, प्रोटेक्शनल सेल्स होते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं जी न्यूरोग्लिया सेल्स की, इन हायर एनिमल्स एंड ह्यूमंस स्पेशलाइज सेल्स विच आर फॉर इन्वॉल्व इन द प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन टू न्यूरॉन सेल्स इज कॉल्ड न्यूरोग्लिया। एमसीक्यू के तौर पर, इट मेक द हाफ ऑफ द नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ न्यूरोग्लिया। नेक्स्ट है जी फंक्शनल टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अगर हम फंक्शनल टाइप की बात करें तो न्यूरॉन्स के फंक्शनल टाइप मेजर 3 हैं। कौन कौन से जी? हमने पढ़ा था कि जो नर्वस सिस्टम होते हैं उसके 5 कंपोनेंट होते हैं। क्या कौन कौन से? स्टिमुलस, रिसेप्टर्स, सेंसरी न्यूरॉन्स मैसे लेके जाते हैं, कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर के अंदर न्यूरॉन्स हैं इंटर न्यूरॉन्स या एसोसिएटेड न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन, फिर वो मैसे लेके जाते हैं मसल या ग्लैंड के पास, वो मोटर न्यूरॉन। तो 3 तरह के हो गए, रिसेप्टर से जो कोऑर्डिनेटर के पास लेके गए सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा जी इंटर या रिले न्यूरॉन जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है, और तीसरा कोऑर्डिनेटर और स्पाइनल कॉर्ड से हमारे मसल या ग्लैंड तक लेके जाते हैं मोटर न्यूरॉन्स हैं। तो क्लास 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटर आर रिले आर एसोसिएटेड न्यूरॉन्स। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज इंटर न्यूरॉन। तो क्लास मैंने ये डायग्राम्स बनाई हुई हैं। इस डायग्राम में जो मैंने सबसे पहली आपको नजर आ रही है ये डायग्राम, दीज आर इंटर न्यूरॉन्स। और जो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं उसके अंदर मेजर पार्ट है जी इसका सेल बॉडी, उसके अंदर न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। उसके बाद आपको ये ब्रांचेस नजर आ रही होंगी, दीज आर नाउन एज डेंड्राइट्स। अब ये डेंड्राइट क्या होते हैं और एक्सॉन क्या होते हैं? डेंड्राइट वो होते हैं जो नर्व इंपल्स को सेल बॉडी की तरफ लेके जाते हैं, और एक्सॉन वो होते हैं जो नर्व इंपल्स को अवे फ्रॉम सेल बॉडी लेके जाते। तो डेंड्राइट जो, ये आपको काफी सारे डेंड्राइट नजर आ रहे होंगे, और सेम हियर
आपको बहुत सारे एक्सॉन नजर आ रहे होंगे। तो ये हमारे ब्रेन इंटरन्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन अवर ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, ये प्रेजेंट होते हैं। इंटरन्यूरॉन के दूसरे न्यूरॉन नाम क्या है? इनका नाम है रिले न्यूरॉन्स या एसोसिएटेड न्यूरॉन्स। क्लियर हो गया जी? अब डेफिनेशन क्या होगी? न्यूरॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड विच हैविंग मैनी डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स कॉल्ड इंटरन्यूरॉन्स आर एसोसिएटेड न्यूरॉन्स आर रिले न्यूरॉन्स। नेक्स्ट है जी क्लास मोटर न्यूरॉन्स। व्हाट आर दी मोटर न्यूरॉन्स? अच्छा, एमसीक्यू के तौर पर ये मैंने जो डायग्राम बनाई हुई है इसके अंदर जो आपको ये ब्रांचेस नजर आ रही हैं, दीज आर डेंड्राइट्स विच गिविंग द ट्री लाइक अपीयरेंस। बहुत सारे डेंड्राइट हैं और ट्री लाइक एक दरख्त की तरह नजर आ रहे हैं, ये हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं। टिपिकली ब्रेन न्यूरॉन हैविंग अ ट्री लाइक अपीयरेंस ऑफ डेंड्राइट एंड सेम हियर न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म एंड एक्सॉन। मैनी डेंड्राइट मैनी एक्सॉन बट डेंड्राइट्स आर इन द शेप ऑफ ट्री लाइक अपीयरेंस। ये एमसीक्यू के तौर पर याद रखिएगा। अब मैं बता क्या बात कर रहा था, मोटर न्यूरॉन्स। आपको ये जो न्यूरॉन नजर आ रहा है दिस इज द टिपिकली डायग्राम ऑफ अ मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन वो होगा जो कि नर्व इंपल्स को हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से हमारे मसल्स या ग्लैंड्स तक ले जाता है। दिस इज मोटर न्यूरॉन। और जो मोटर न्यूरॉन होता है उसमें बहुत सारे आपको यहां डेंड्राइट्स नजर आ रहे होंगे। डेंड्राइट्स, इट इज द सेल बॉडी आर सोमा एंड इट इज द लॉन्ग एंड लॉन्ग वन एक्सॉन। एक सिंगल एक्सॉन है, डेंड्राइट्स मैनी हैं, सेल बॉडी है, न्यूक्लियस है उसके अंदर रेड कलर के नजर आ रहे हैं, साइटोप्लाज्म है इसके अंदर ऑर्गेनेल्स होंगी। तो ये इसको हम नाम देते हैं मोटर न्यूरॉन। क्या डायग्राम, किसकी डायग्राम है ये? मोटर न्यूरॉन। क्लास जो मोटर न्यूरॉन है ये डायग्राम में आपको दिखाया, दोबारा से बता रहा हूं, बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं, सिंगल सेल बॉडी और लॉन्ग वन एक्सॉन होता है। तो मैसेज इस तरह से जाता है सेल बॉडी के अंदर और फिर जाता है अवे फ्रॉम सेल बॉडी। और इसकी जो लेंथ होती है टिपिकली मोटर न्यूरॉन की वो 1 मीटर तक भी हो सकती है, 1 मीटर तक लंबा हो सकता है ये न्यूरॉन। और न्यूरॉन का एक्सॉन यानी देख ले सकते हैं 1 मीटर तक लंबा, अगर हम बात करें हमारी पांव से लेकर हमारे ब्रेन तक एक लंबा न्यूरॉन का एक्सॉन हो सकता है, इतना लंबा हो सकता है 1 मीटर तक, देख सकते हैं। उसके बाद जिसके पास लेके जाते हैं वो क्या है? मसल्स। दीज आर इफेक्टर्स जो कि कॉन्ट्रैक्शन करके अपना रिस्पॉन्स शो करेंगे। इसके बाद जो ये लास्ट डायग्राम नजर आ रही है आपको, ये है टिपिकली डायग्राम एक किसकी? सेंसरी न्यूरॉन की। क्लास ये जो मैं डिफरेंट टाइप्स की बता रहा हूं ना, ये आपकी बुक में डायग्राम्स के नीचे रेड पैराग्राफ नजर है उसमें लिखे हुए हैं, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद ये आपको जो मोटर न्यूरॉन्स नजर सेंसरी न्यूरॉन जो नजर आ रहा है आप देख सकते हैं, दीज आर दी रिसेप्टर्स सेल्स, दे आर डिफरेंट, इट्स मे बी एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्किन।
और ये रिसेप्टर्स सेल्स कहलाते हैं, और इनसे ये आपको डिफरेंट ये नजर आ रहा होगा, एक ब्रांच नजर आ रही है, इसको हम डेंड्रॉन कहते हैं। अगर साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस एक लंबा हो और सिंगल हो और मैसेज को सेल बॉडी की तरफ लेके जाए, इसको हम नाम देते हैं डेंड्रॉन। और इसी के साथ इस डेंड्रॉन का ये वाला सारा पोर्शन कहलाता है पेरिफेरल ब्रांच। क्या कहलाता है जी? पेरिफेरल ब्रांच। पॉइंट समझ आ गया क्लास? जो हमारे पास पेरिफेरल ब्रांच है, ये आप इसमें देख सकते हैं, ये इसके ऊपर एक लेयर्स माइलिनेटेड लेयर है, माइलिनेटेड लेयर। और ये माइलिनेटेड लेयर जो है, इसको हम पेरिफेरल ब्रांच भी कहते हैं सेंस न्यूरॉन की, इसको हम डेंड्रॉन भी कहते हैं। इसका काम होता है रिसेप्टर से मैसेज को सेल बॉडी की तरफ लेके जाना। समझ आ गई जी? उसके बाद दूसरी हमारा ये पेरिफेरल ब्रांच कहलाती है, उसके बाद दूसरी ब्रांच, उसको हम सेंट्रल ब्रांच कहते हैं, सॉरी इसको हम डॉर्सल ब्रांच कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊपर वाली पेरिफेरल ब्रांच, ये सारा रीजन जो है ये पेरिफेरल ब्रांच है, और इससे नीचे वाली जो ये ब्रांच है, इसको हम नाम देते हैं डॉर्सल गैंग्लियन। डॉर्सल गैंग्लियन के अंदर सेल बॉडी भी प्रेजेंट होती है। ऊपर था पेरिफेरल ब्रांच, सेंस न्यूरॉन का वो पोर्शन जो कि रिसेप्टर और सेल बॉडी के दरमियान या डॉर्सल गैंग्लियन के दरमियान है, उसका नाम है पेरिफेरल ब्रांच। और दूसरा है डॉर्सल गैंग्लियन, डॉर्सल गैंग्लियन के अंदर सेल बॉडी प्रेजेंट है, और इसके साथ साथ इसका काम क्या है? इसका काम है सेल बॉडी से मैसेज को आगे ट्रांसफर करना, किसके अंदर? इफेक्टर्स के पास, सॉरी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज ट्रांसफर करना। क्लास समझ आ गई? इसी तरह से ये हमारे पास डॉर्सल गैंग्लियन के बाद नेक्स्ट है सेंट्रल ब्रांच। सेंट्रल ब्रांच वो है जो कि डॉर्सल गैंग्लियन से मैसेज को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को ट्रांसफर करता है। क्लियर है? तो पेरिफेरल ब्रांच, डॉर्सल गैंग्लियन और सेंट्रल ब्रांच, ये तीन रीजन्स होते हैं सेंस न्यूरॉन्स के अंदर, ये आपकी बुक के नीचे लिखा हुआ। और डेंड्रॉन आपको मैं अलग से यहां पर भी एक्सप्लेन करते हैं। तो क्लास व्हाट इज डेंड्रॉन? बेसिकली डेंड्रॉन इज द लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस विच कैरी मैसेज फ्रॉम रिसेप्टर्स टू सेल बॉडी एंड इट इज अ सिंगल एंड लॉन्ग। डेफिनेशन क्या होगी? द साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस विच सिंगल एंड लॉन्ग कैरिंग नर्व इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू सेल बॉडी इज कॉल्ड डेंड्रॉन। उसके बाद अगर डेंड्रॉन के अलावा शॉर्ट फाइबर्स हूं और वो स्मॉल या शॉर्ट शॉर्ट हूं, यानी कि बहुत ज्यादा हूं और शॉर्ट हूं, तो हम उन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं, और उनका काम भी वही होगा कैरिंग नर्व इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स टू सेल बॉडी। डेफिनेशन क्या होगी? द शॉर्ट एंड मैनी साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस विच कैरिंग द नर्व इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू सेल बॉडी इज कॉल्ड डेंड्राइट। अब दोनों में फर्क नजर आ रहा होगा, ये शॉर्ट और मैनी है, इसमें लॉन्ग और सिंगल है, ये डिफरेंस है। उसके बाद अगर सिंगल हो तो शॉर्ट हो, सिंगल हो तो उसे डेंड्राइट कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है एक्सॉन। एक्सॉन किसे कहते हैं जी? द साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस विच कैरी मैसेज अवे फ्रॉम सेल बॉडी, यानी सेल बॉडी से अवे लेके जाएगा, तो एक्सॉन होगा। डेफिनेशन द साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस विच कैरी नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सॉन।
उसके बाद इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निसल ग्रेन्यूल्स। सेल बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्रुप ऑफ राइबोसोम, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास राइबोसोम्स हैं, ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स, और वो एसोसिएटेड हूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फॉर एग्जांपल दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा एसोसिएटेड हूं गॉल्जी कॉम्प्लेक्स के साथ, फॉर एग्जांपल दिस इज गॉल्जी कॉम्प्लेक्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स, ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स, इनको कलेक्टिवली नाउ कहते हैं निसल ग्रेन्यूल्स, एंड दीज आर प्रेजेंट इन द सेल बॉडी। डायग्राम में दोबारा बता देता हूं, ग्रुप ऑफ राइबोसोम एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गॉल्जी कॉम्प्लेक्स कलेक्टिवली कॉल्ड निसल ग्रेन्यूल्स, एंड इट दीज आर प्रेजेंट इन द सेल बॉडी। नेक्स्ट है जी डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गॉल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट इन द सेल बॉडी इज कॉल्ड निसल ग्रेन्यूल्स। नेक्स्ट है एक्सोप्लाज्म, ये हमारे पास एक्सोन है, ये एक्सोन है, ये एक्सोन है, तो एक्सोन के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको एक्सोप्लाज्म कहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के साइटोप्लाज्म को मैट्रिक्स कहते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट के साइटोप्लाज्म को स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है जी, और न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, तो इसके साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, न्यूरोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोटिब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं। इट इज द कंपोजिशन ऑफ एक्सोप्लाज्म, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है जी सेल बॉडी आर सोमा, दिस इज द सेल बॉडी आर सोमा। सेल बॉडी या सोमा मेन पार्ट होता है जिसके अंदर सारे के सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, हो रहे होते हैं, कोई बायोकेमिकल सिंथेसिस हो रही होती है, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, और ये सारी चीजें जो मैं भी बताई हैं, न्यूरोफाइब्रिल, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोटिब्यूल्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑल आर प्रेजेंट इनसाइड द किसके अंदर, सेल बॉडी के अंदर, या इसको सोमा कहते हैं, और ये मेन पार्ट है न्यूरॉन का। क्लियर है? तो क्लास यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।